किसान संगठन सब अपने मुद्दे उठाते रहते हैं, उठाने चाहिए किसान हित मुद्दे। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आंदोलन पोलिटिकलाइज होता है, किसान जत्थेबंदियाँ अगर किसानों के मुद्दे पे काम करते हैं तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन किसान जत्थेबंदियाँ बीजेपी का विरोध करेंगे, हम जेजेपी का विरोध करेंगे, हम आपकी मीटिंग हुई तो झंडे लेके आएंगे, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है कि आप अपनी बात कहो, हम अपनी बात कहेंगे, लोग तय करेंगे कि इसकी बात ठीक है। तो इस नाते से लोकतांत्रिक पद्धतियों में बाधा डाली किसान जत्थेबंदियों ने, जो लोकतांत्रिक दृष्टि से हम अपनी रैलियां कर रहे थे, हम अपने कार्यक्रम कर रहे थे, हम अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहे थे लोकतंत्र में, लोगों ने हमको यहाँ दायित्व तो लोकतंत्र में दिया है, हमने पार्टियां बनाई हैं, काम कर रहे हैं उस नाते से, तो सबको लोकतंत्र में अपने अपने काम करने का हक है, किसी दूसरे के काम में बाधा डालने का किसी को भी नहीं दिया। दूसरी जो बड़ी बात ये है कि आपने देखा कि किसान जत्थेबंदियों के आंदोलन में कुछ लोग खालिस्तान के झंडे लेके आ गए, सबने देखा जी। हमने देखा कि घटना हो गई जो है 26 जनवरी, और उन्होंने कहा कि हमारे लोग नहीं, बाद में उनको छुड़ाने के चक्कर में भी चल पड़े, है ना, कभी हमारे हैं कभी हमारे नहीं है। वहां रेप हो गए, वहां एक आदमी को जिंदा जला दिया गया। तो ये सारी चीजें किसी भी कैडर का जब कोई आंदोलन होता है तो उसकी साख को कम करती है। ये सामान्य रूप से मेरे कथन का विषय नहीं है जी, ये घटनाक्रम है जो घटित हुआ है, जिससे आंदोलन की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हुई है, क्योंकि जो भी आंदोलन करते हैं उनकी जिम्मेवारी रहती है कि आंदोलन पवित्र हो। आंदोलन उसी भाव भावना से चला रहे, अगर उसमें दूसरी घटनाएं घटित होती हैं तो आंदोलन की साख पर हमेशा असर आता है। तीसरा, आंदोलन अब जो है वो पूरा राजनीतिक हो गया, जैसे मैंने पहले कहा कि वो जिस तरह के किसान एजेंडे को चला था उसकी बजाय कोई भाषण सुन लीजिए आप राज्यपाल जी के, बाकी लोगों के, किसान नेताओं के, तो वो भाषण ही पॉलिटिकल है सारे के सारे, वो किसानों के मुद्दों पर कहाँ भाषण बचे। तो उस नाते से आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक होने से, क्योंकि राजनीति को लोग अलग दृष्टि से देखते हैं जी। हमने बड़े बड़े किसान संगठन के नेता देखे, फिर उनको चुनाव लड़ते हुए देखा, फिर उनके चुनाव परिणाम देखे, सब चीज हमने भी देखी है। तो क्योंकि चुनावी राजनीति, चुनाव राजनीति अलग चीज है जी, और किसान संगठन का काम करना बिल्कुल अलग बात है। तो किसान संगठन जब किसान के एजेंडे पे काम करता है तो लोग उसके साथ आते हैं, जब राजनीति होने लगती है तो लोगों का नजरिया भी उसको राजनीति से देखने का होता है। अब हम देख रहे हैं कि सब जगह किसान के झंडे, किसान यूनियनों के झंडे लेकर कांग्रेस के लोग